चलिए, तो मैं टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक के अंतर्गत जो है, सबसे पहले मैं चर्चा किया था डिग्री ऑफ क्रिस्टल के बारे में, जिसके अंतर्गत जो है इनके कुछ टाइप्स है डिग्री ऑफ क्रिस्टल के, जैसे होलो क्रिस्टलर क्रिस्टल हो गया, होलो हैलाइन क्रिस्टलाइन हो गया, एंड मेरो क्रिस्टलाइन है ना। उसके बाद जो सेकेंड टाइप्स है टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक के अंतर्गत, तो साइज ऑफ ग्रेन्स और ग्रैनुलरिटी, और इसे भी जो है तीन भागों में बांटा गया है साइज ऑफ क्रिस्टल्स के आधार पर, फैनेरिटिक क्रिस्टल, एफेनिटिक क्रिस्टल एंड क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। अब हम समझेंगे कि साइज ऑफ ग्रेन्स और ग्रैनुलरिटी क्या है, और फैनेरिटिक क्रिस्टल क्या होगा, एंड एफेनिटिक क्रिस्टल क्या होगा, या फिर क्रिप्टो क्रिस्टलाइन किसे कहेंगे, हम इसे समझेंगे बारीकी बारीकी से। तो देखिए, मैं आपको बताया था कि टू टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या होता है, दोनों का टकराव होता है कभी कभी, है ना। और ये आपका क्या है, ये आपका जो है क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट वाले जोन है। क्रस्ट बोले तो भू सतह ना। अब क्या होता है कि हम यहाँ टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताया हूं कि जब लिक्विड मैग्मा सॉलिड स्टेट में, चाहे वो इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ में वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए, या फिर लिक्विड मैग्मा क्रस्ट के बाहर आकर यानी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ में वो यदि लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो उसे भी हम लोग क्या कहलाएंगे, इग्नियस रॉक कहलाएंगे। यानी वो इंट्रूसिव रॉक्स हो या फिर एक्सट्रूसिव रॉक, दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, इग्नियस रॉक। और हम लोग यहाँ जो है टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें कह रहा है कि क्रिस्टल का आकार, है ना, यानी क्रिस्टल का आकार डिपेंड करेगा उनके शीतलन होने की गति, यानी ठंडा होने की, कि वो जो है किस स्पीड में जो है लिक्विड मैग्मा सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है ना। तो ये जो है लिक्विड हो लिक्विड मैग्मा जो है वो किस आधार पर, यानी किन कितनी टेम्परेचर में या फिर कितना जल्दी वो कूलिंग होकर जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जा रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस आधार पे जो है क्रिस्टल का साइज बनेगा, है ना। कह रहा है कि ये जो मैग्मा चेम्बर में जो मैग्मा मौजूद है ना, मैग्मा ये क्या है आपका, लिक्विड स्टेट में है ना, ये क्या है लिक्विड स्टेट में। अब मान लीजिए ये लिक्विड में जो ये है मैग्मा, ये आपका आफ्टर जो है क्या बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन है ना, तो वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से जो लिक्विड मैग्मा क्रस्ट के बाहर आएगा मान लीजिए, है ना, उस वक्त उनकी टेम्परेचर जो है 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो सकता है ना। तो उस वक्त क्या होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उनका टेम्परेचर हो सकता है, कौन किसका, लिक्विड मैग्मा का। तो ये लिक्विड मैग्मा जब क्रस्ट के बाहर फेंकाएगा वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से, तो ये लिक्विड मैग्मा है ना, अगर मान लीजिए है ना, अगर मान लीजिए ये टाइम टेकिंग ज्यादा ले रहा है ना, यानी ठंडा होने में समय ज्यादा ले रहा है, तो ये कूलिंग क्या होगा, कूलिंग होने के पश्चात, तो ये कूलिंग होने के पश्चात क्या होगा, ये धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में चेंज होगा। यानी ये लिक्विड मैग्मा जब क्रस्ट के बाहर आएगा या क्रस्ट के अंदर ही किसी पार्ट में सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा, तो यदि कूलिंग सॉरी लिक्विड मैग्मा सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, चाहे वो इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ में हो या एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ में हो, है ना, तो उसे सॉलिड, उस सॉलिड स्टेट को हम लोग रॉक्स कहते हैं, है ना, यानी चट्टान, है ना। तो कह रहा है कि रॉक्स बनने में यानी चट्टान बनने में अगर लिक्विड मैग्मा अगर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है ना, लिक्विड मैग्मा में टेम्परेचर कितना है 1000 डिग्री सेल्सियस, और वो लिक्विड स्टेट में है,
तो लिक्विड स्टेट में जो मैग्मा है, अगर वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, यानी क्या स्लो मोशन में कूलिंग हो रहा है ना, तो उनका क्रिस्टल का जो आकार होगा, क्रिस्टल का जो आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा और देखने में क्या होगा, चमकीला होगा, है ना। यानी कहने का मतलब कि क्रिस्टल का आकार जो है बड़ा साइज का होगा, है ना, बड़ा आकार का होगा। यानी उनका जो दानेदार आकार में, जो मैंने बताया कि क्रिस्टल मतलब क्या, कि कोई भी जो है दानेदार आकार में रहेगा और बड़ा साइज में रहेगा, है ना। तो कह रहा है कि अगर लिक्विड मैग्मा सॉलिड स्टेट में चेंज होने में अधिक समय लेता है, उनको ठंडा होने में टाइम टेकिंग ज्यादा मिल जाता है, तो क्रिस्टल का जो आकार बनेगा वो बहुत बड़ा आकार का बनेगा, है ना। और उसको जो है आप आसानी से देख सकते हैं चट्टानों में, है ना, यानी रॉक्स में। दूसरा प्रोसेस में कह रहा है, दूसरा प्रोसेस में कह रहा है कि अगर, है ना, लिक्विड मैग्मा, अगर लिक्विड मैग्मा, लिक्विड मैग्मा, लिक्विड मैग्मा इस ये चेंज होगा आपका सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, है ना, सॉलिड स्टेट में। तो जब तक मैं बताया हूं कि ये लिक्विड मैग्मा है ना, ये मैग्मा चेम्बर में है, यानी भूसतह के अंदर है, यानी क्रस्ट के अंदर है, तो इसे मैग्मा कहा जाएगा। यही मैग्मा यदि क्रस्ट के बाहर आ जाए तो इसे लावा कहा जाता है ना। यानी जब तक ये क्रस्ट के इंटरनल पार्ट में है तो इसे लावा कहा जाएगा, वही लावा यदि क्रस्ट के बाहर सॉरी मैग्मा कहा जाएगा, और वही मैग्मा यदि क्रस्ट के बाहर आ जाए तो लावा कहा जाएगा, है ना। यानी बाहर में रहे तो, एक्सटर्नल पार्ट में रहे तो लावा, इंटरनल पार्ट में लिक्विड स्टेट में रहे तो मैग्मा कहलाएगा, है ना। अब लिक्विड मैग्मा यदि सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है और टाइम टेकिंग जो है वो लंबे समय तक लेता है, तो क्रिस्टल का आकार जो होगा वो बड़ा होगा, है ना। अगर क्या हो रहा है कि जो है लिक्विड से सॉलिड स्टेट में अगर धीरे धीरे, है ना, यानी क्या है कि धीरे धीरे अगर हो रहा है ना, बहुत धीरे धीरे, तो क्रिस्टल का आकार बड़ा होगा। अगर जो है टाइम टेकिंग नहीं ले रहा है, यानी वो थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जा रहा है, तो क्रिस्टल का जो आकार बनेगा वो छोटा आकार का बनेगा, है ना। यानी रॉक्स में, रॉक्स के अंदर का जो क्रिस्टल बनेगा उनका साइज जो होगा वो छोटा होगा, है ना, साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक उसी तरह अगर कोई लिक्विड मैग्मा अगर सॉलिड स्टेट में अगर क्विकली चेंज हो जाता है ना, यानी क्रस्ट के बाहर आया तुरंत ठंडा हो गया, तो उस प्रकार के टेक्सचर में, यानी इग्नियस रॉक के टेक्सचर में किसी भी प्रकार का क्रिस्टल दिखाई नहीं पड़ेगा, वो ग्लॉसी टाइप का बन जाएगा, है ना। मैं इससे पहले आप लोगों चर्चा किया था कि इससे पहले मैं बताया हूं कि मान लीजिए ये टेक्सचर है ना, ये क्या है, टेक्सचर है, अगर इस प्रकार के बड़े बड़े दानेदार दिखाई पड़ रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये दृश्य क्रिस्टल होगा, है ना, दृश्य क्रिस्टल, दृश्य क्रिस्टल मतलब क्या कि ये पूर्ण रूप से दिखाई पड़ेगा आपको दूर से ही, है ना। ठीक इसी तरह इसमें मैं बताया था कि अगर जो है ये इस प्रकार है ना, ग्लॉसी टाइप का टेक्सचर है, यानी प्लेन टेक्सचर है, इस पे किसी भी प्रकार का जो है ये क्रिस्टल फॉर्म दिखाई नहीं पड़ेगा, ये पूरा प्लेन टेक्सचर रहेगा, है ना। तो इस प्रकार के टेक्सचर को वादृश्य कहा जाता है, वादृश्य क्रिस्टल, यानी जो दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर क्या है कि इसमें जो है कुछ प्लेन टेक्सचर भी है और कुछ क्रिस्टल फॉर्म भी है, तो ये क्या हो गया, कांचिक फॉर्म, है ना, आंशिक दृश्य क्रिस्टल, मतलब इसमें क्या है कि इसमें जो है ग्लॉसी भी रहेगा और क्रिस्टल भी मौजूद रहेगा, है ना। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर दिखा रहा है साइज ऑफ ग्रेन्स और ग्रैनुलरिटी के अंदर, कि अगर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में
अगर बहुत देर तक समय लेता है और चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में, तो क्रिस्टल का आकार बड़ा होगा। अगर टाइम टेकिंग क्या है कि थोड़ा सा कम लेता है लेकिन थोड़ा सा लगता है समय, यानी लिक्विड से सॉलिड चेंज होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो उसमें क्या होगा कि आपका क्रिस्टल का जो साइज होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा छोटा होगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही समय नहीं ले रहा है, यानी टोटली जो है टाइम टेकिंग नहीं लेता है, यानी लिक्विड स्टेट जो है, यानी लिक्विड मैग्मा सॉलिड क्रस्ट के बाहर आया और तुरंत कूलिंग हो गए, वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के क्रिस्टल का निर्माण नहीं होगा, यानी क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब समझेंगे कि ये तो हुआ साइज ऑफ ग्रेन्स और ग्रैनुलरिटी की बात। अब समझेंगे कि ये फैनेरिटिक एंड एफेंटिक एंड क्रिप्टो क्रिस्टलाइन किसे कहेंगे, है ना? आपको यहाँ तक क्लास समझ में आया? अगर आया तो आप जो है टाइप करके यस में बताइए, हमें टाइप करके यस लिखिए कि आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, कि क्रिस्टल का आकार किन कारणों पर डिपेंड करता है ना? आपको समझ में आया यहाँ तक? चलिए मैं आप लोगों का थोड़ा सा कमेंट रीड कर लेता हूँ। रेट ऑफ कूलिंग पे, यस रेट ऑफ कूलिंग पे, है ना, कि इफ अगर क्या होगा कि टाइम टेकिंग, है ना, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा लेगा, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा लेगा लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने में, तो क्रिस्टल का जो साइज है वो बड़ा साइज का बनेगा। अगर टाइम टेकिंग थोड़ा सा लेता है, मतलब पहले की अपेक्षा थोड़ा कम, तो क्रिस्टल का आकार जो है छोटा बनेगा। अगर क्या हो रहा है, लिक्विड मैग्मा अगर सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है और वेरी क्विकली हो रहा है ना, तो वो क्या होगा, आपका जो है उनका किसी भी प्रकार का क्रिस्टल बन नहीं पाएगा, वो पूरा प्लेन टेक्सचर बन जाएगा, है ना? तो आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो है तीन जो है भाग होता है ना, एक फैनेरिटिक क्रिस्टल एंड एफेंटिक क्रिस्टल एंड क्रिप्टो क्रिस्टलाइन, है ना? तो कह रहा है फैनेरिटिक क्रिस्टल में, है ना, फैनेरिटिक क्रिस्टल में कह रहा है ये एक नंबर पे, है ना, फैनेरिटिक क्रिस्टल, फैनेरिटिक क्रिस्टल में कह रहा है ना, कि इफ इफ द क्रिस्टल्स आर विजिबल टू नेक्ट आई, है ना, कहने का मतलब इफ फैनेरिटिक क्रिस्टल, हम वैसे क्रिस्टल को कहलाएंगे, यानी वैसे क्रिस्टल को फैनेरिटिक क्रिस्टल कहा जाएगा जिसे हम ओपनली आई से देख सकते हैं। यानी मान लीजिए आपके सामने किसी स्थान पे, है ना, किसी प्लेस पे क्या है कि क्रिस्टल रखा हुआ है और आप उसे दूर से ही देख पा रहे हैं कि सामने जो है दानेदार आकार में बड़ा साइज में रखा हुआ है रॉक्स, है ना, तो वही जो है आपका ये फैनेरिटिक क्रिस्टल हो जाएगा, है ना, जिसे आप जो है आसानी से दूर से ही देख पा लेते हैं कि वो जो है क्रिस्टल रखा हुआ है, तो उस टाइप्स के क्रिस्टल्स को फैनेरिटिक क्रिस्टल कहा जाएगा, है ना। इनके अंतर्गत जो है इनके अंतर्गत जैसे है एक कोर्स ग्रेन होता है, कोर्स ग्रेन इज ए पार्ट ऑफ फैनेरिटिक क्रिस्टल, है ना। सेकेंड में कह रहा है मीडियम ग्रेन्स, है ना। अब तीसरा जो कह रहा है वो फाइन ग्रेन्स, है ना, मतलब क्या कि ये जो है क्रिस्टल के साइज को डिनोट कर रहा है ना, और उनके साइज के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ क्रिस्टल्स, उनके आधार पर जो है फैनेरिटिक क्रिस्टल्स को जो है तीन भागों में बांटा गया है ना, यानी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट टाइप्स कोर्स ग्रेन्स, सेकेंड इज मीडियम ग्रेन्स, थर्ड इज फाइन ग्रेन्स। तो इसे कह रहा है कि इफ इफ साइज ऑफ क्रिस्टल्स ग्रेटर देन 5 mm, ग्रेटर देन 5 mm साइज, है ना, तो वो उसे जो है कोर्स ग्रेन्स कहलाएगा, है ना, कोर्स ग्रेन यानी क्रिस्टल का साइज, है ना, क्रिस्टल का साइज अगर 5 mm से बड़ा होगा,
तो क्या कहलाएगा, कोर्स ग्रेन्स। ठीक उसी तरह कह रहा है कि ये जो है क्रिस्टल का साइज जो है ये 5 mm, 5 mm टू 1 mm, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 mm यानी 1 mm टू 5 mm, 5 mm यानी इफ साइज ऑफ क्रिस्टल्स 1 mm बिटवीन 5 mm यानी 1 mm टू 5 mm, देन इसे क्या कहा जाएगा, मीडियम ग्रेन्स, है ना। क्या कहा जाएगा, मीडियम ग्रेन्स। आगे कह रहा है कि फाइन ग्रेन्स हम उसे कहेंगे वैसा क्रिस्टल, है ना। कह रहा है कि अगर ये जो है लेस देन, है ना, लेस देन 1 mm, लेस देन 1 mm, मतलब क्या हुआ, है ना, कि इफ साइज ऑफ क्रिस्टल्स लेस देन 1 mm देन इज कॉल्ड फाइन ग्रेन्स, है ना। तो फेनरिटिक क्रिस्टल्स के अंतर्गत जो है उसे भी जो है साइज के आधार पर, है ना, 3 भागों में बांटा गया है ना। इट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ फेनरिटिक क्रिस्टल्स अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ क्रिस्टल्स, है ना। तो इफ साइज ऑफ क्रिस्टल्स ग्रेटर देन 5 mm इज कॉल्ड कोर्स ग्रेन्स, इफ साइज ऑफ क्रिस्टल्स 1 mm टू 5 mm इज कॉल्ड मीडियम ग्रेन्स, इफ साइज ऑफ क्रिस्टल्स लेस देन 1 mm इज कॉल्ड फाइन ग्रेन्स। आप लोग समझ पाए कि फेनोलिटिक क्रिस्टल किसे कहेंगे और उसके अंतर्गत जो है कोर्स ग्रेन्स, मीडियम ग्रेन्स एंड फाइन ग्रेन्स किसे कहेंगे। आप लोग समझ पाए, आप लोग समझ पाए। समझ लिए। तो क्रिस्टलों का आकार डिपेंड करेगा कि उनके, है ना, रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करेगा, यानी ठंडा होने की दर पे डिपेंड करेगा कि वो टाइम टेकिंग किस टाइप्स किस प्रकार लेता है ना। टाइम टेकिंग बहुत अधिक लेगा तो क्रिस्टल का साइज बहुत बड़ा बनेगा, टाइम टेकिंग कम लेगा तो क्रिस्टल का आकार यानी क्रिस्टल का साइज छोटा बनेगा, स्मॉल साइज का ग्रेन्स होगा। अगर टाइम टेकिंग टोटली नहीं लेगा यानी लिक्विड स्टेट डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में वेरी क्विकली चेंज हो जाता है तो किसी भी प्रकार का जो है वो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, है ना, वो डायरेक्ट ग्लॉसी टेक्सचर बन जाएगा। तो उसी में कह रहा है कि फेनरेटिक क्रिस्टल जो है इनको भी जो है 3 भागों में बांटा गया है, कोर्स ग्रेन्स, मीडियम ग्रेन्स एंड फाइन ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स 5 mm से अगर क्रिस्टल का साइज बड़ा रहेगा तो कोर्स ग्रेन्स कहलाएगा, अगर 1 mm से 5 mm के बीच क्रिस्टल का साइज रहेगा तो मीडियम ग्रेन्स कहलाएगा, अगर 1 mm से भी कम हो क्रिस्टल का साइज तो फाइन ग्रेन्स कहलाएगा, है ना। तो आज का क्लास जो है मैं यहीं खत्म करूंगा। आज वही 5-7 स्टूडेंट में से मात्र आप लोग 2 स्टूडेंट जुड़ पाए हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे चर्चा करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में जो है और एक क्लास लेंगे आप लोगों का, तो टेक्सचर खत्म कर देंगे, है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए आप दोनों। बाकी लोग आज नहीं जुड़ पाए वो लोगों भी बोल दें। यस ओके। आज का मैं क्लास का मैं PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो वहां से आप लोग जो है अभी से नोट्स करते जाइए। ऐसा मत समझिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में तो सेंड कर ही रहे हैं, मैं मोबाइल से PDF पढ़ लूंगा, ऐसा मत कीजिए। आप लोग जो है नोट करने की कोशिश करें, है ना, डेली एवरीडे जो है अपने नोटबुक पे जो है आप जो है डेली लिख लीजिए जो मैं PDF सेंड करता हूँ, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, उसके बाद जो है टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हैव ए गुड डे टू ऑल।